हिमाचल पुलिस के बैंड हार्मनी ऑफ द पाइंस का चयन प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में प्रस्तुति देने के लिए हुआ है। यह आयोजन 20 फरवरी 2023 को मुंबई में होगा। हिमाचल पुलिस द्वारा दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव अवार्ड 2022 समारोह में अपने हुनर का जलवा बिखेरेगी। साथ ही पुलिस बैंड को अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। गौरव मईपल है, इससे केवल हिमाचल प्रदेश पुलिस अपितु हिमाचल प्रदेश का भी नाम ऊंचा होगा और मुझे उम्मीद है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जब इनको मौका मिलेगा ये हुनरबाज की तरह वहाँ भी अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, लोगों का और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और उसके साथ साथ इस टीम को अपने आत्मविश्वास में जो वृद्धि होगी निस्संदेह वो इन्हें और ऊंची ऊंचाइयों की तरफ ले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश पुलिस का ऑर्केस्ट्रा बैंड हार्मोनी ऑफ द पाइंस हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं जाता जहां इनकी प्रस्तुति ना हो और हिमाचल प्रदेश के लिए इन्होंने एक नसीब का पल जो है एक बड़ा हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव का पल नसीब करवाया है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये प्रस्तुति देंगे और टीम मेंबर्स के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, इतनी बड़ी मुकाम हासिल किया है, कैसा लग रहा है? सबसे पहले बहुत ही अच्छा अनुभव है और पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को और पूरी देश की जनता को और अब तो मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया को मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ आपके इस मंच से। और
क्योंकि हम इस तरह का एक अनोखा बैंड हो गया है अभी पूरे देश का, कि जो कि खाकी को हम रिप्रेजेंट करते हैं हर जगह जहाँ भी जाते हैं, और दुनिया में ये एक अनूठा बैंड है, और इस खाकी की वजह से शायद हमको ज़्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट मिल रही है, क्योंकि आर्टिस्ट हो सकता है हमारे से भी बहुत अच्छे अच्छे इस दुनिया में होंगे और हैं, लेकिन ये अलग से हमारे को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ मैं सबका कि आप इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ हमारे जो डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं श्रीमान संजय कुंडू जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया, और जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, मतलब मुझे ऐसा ध्यान नहीं है कि ऐसे कोई अधिकारी है जिन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया और जिन्होंने शायद इसको आगे बढ़ाने में मदद नहीं करी है। लगता है जब पूरे देश के लोग जो हैं वो काफ़ी प्रोत्साहन देते हैं, काफ़ी खुश जो हैं वो लोग दिखते हैं। मैम बहुत अच्छा लगता है, जैसा कि सर ने कहा कि जब लिखते हैं ना इंस्टाग्राम स्टोरीज पे प्राउड मोमेंट, प्राउड फीलिंग, वो हमें बहुत अच्छा लगता है कि यंग जनरेशन भी हमें सपोर्ट कर रही है, रिस्पेक्ट देती है। हमारी सिंगिंग तो चलिए है ही, पर ये जो वर्दी है, ये खाकी जो है, इससे हमें जो रिस्पेक्ट मिली है वो मैं शायद शब्दों में भी बयान नहीं कर पा रही हूँ। बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश के लिए एक गौरव का पल जो है वो रहा है, और हुनरबाज में भी आपने बेहतरीन कार्य किया है, वहाँ पे प्रदर्शन किए हैं, तो कैसा लगता है कि अब जो जर्नी शुरू हुई है आगे किस तरह से लेके जाएंगे? देखिए मैं एक किस्सा तो मुझे याद आ रहा है, हमने कोविड मंत्रा करके एक वीडियो निकाला था, डीजी सर ने उसके लिए हमें बहुत सपोर्ट कहा था, उन्होंने ही कहा था करने के लिए, तो जब वो हमारा बहुत सक्सेस हुआ था तो सर हमारे लिए एक केक लेके आए थे हमारे ऑर्केस्ट्रा के लिए, हार्मोनी ऑफ द पाइंस के लिए, और वो बहुत बड़ा केक था, उस पर लिखा हुआ क्या था कि ये दिल मांगे मोर। तो फिलहाल अभी हम इस प्लेटफॉर्म पे जाके आए हैं, और अभी वो एक लालच वाला है हमारे में फील कि हमको इससे भी बड़ा प्लेटफॉर्म कोई चाहिए और हमें उस पर भी 100% देना है। तो अभी तो फिलहाल यही है कि हम जितने भी जो भी आगे स्टेजेस हमें मिलती हैं उस पर हमें 100% देना है अपना। हुनरबाज की अगर बात करें, वहाँ पर परफॉर्मेंस रही लगातार, वहाँ से आप एक लाइमलाइट में आए, तो अब तक आपको क्या लगता है कि लोग आपसे जुड़ रहे हैं? देखिए जो मैंने खुद फील किया है, क्योंकि मैं पहले भी आर्टिस्ट, मतलब मैं पहले से ही आर्टिस्ट हूँ, सिंगिंग करता था मैं परफॉर्मेंस, और काफ़ी बड़े स्टेजेस पे भी किए हैं, बट सीरियसली बोलूँ तो जो खाकी को ड्रेस को पहनने के बाद जो एक रिस्पेक्ट, एक इज्जत, और एक जो हम कह सकते हैं कि एक फैन फॉलोइंग भी कह सकते हैं, और हर चीज़ वो मतलब खाकी की वजह से हमें बहुत ज़्यादा मिली है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसका हम काउंटिंग करेंगे तो वो शायद नहीं कर पाएंगे हम।